गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास फिफ्थ टुडे यू हैव टू स्टडी SST चैप्टर एट टेम्परेट ग्रास लैंड। टेम्परेट मीन्स होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब न तो ज़्यादा ठंडा न तो ज़्यादा गर्म। तो ऐसे ग्रास लैंड जहाँ क्लाइमेट बिल्कुल मॉडरेट है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ मार्क्ड हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, जैसे ये ही जोन है तो ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन है ये, और ये जो जोन है नॉर्थ टेम्परेट जोन है। ये जो जोन दिख रहा है ये वाला, ये नॉर्थ टारिड जोन है। ये जो जोन है साउथ टारिड जोन है, टारिड जोन साउथ टेम्परेट जोन, और ये है साउथ फ्रिजिड जोन। इधर ये साउथ फ्रिजिड जोन है। लोकेशन द रीजन दैट लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, जो क्षेत्र आर्कटिक सर्कल जिसका मेजरमेंट है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका मेजरमेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एंड द एंड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल उसका मेजरमेंट है 66.5 डिग्री साउथ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसका मेजरमेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ पे साउथ होना चाहिए, मिसप्रिंट है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड टेम्परेट जोन, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्लाइमेट विंटर्स इन दिस रीजन आर वेरी कोल्ड, इस क्षेत्र में विंटर्स जो होती है बहुत कोल्ड होती है। एंड समर आर शॉर्ट, और समर का जो महीना होता है वो शॉर्ट होता है। एंड वार्म, वार्म मतलब गर्म होता है। वार्म और हीट में अंतर है। हीट का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वार्म का मतलब मॉडरेट वार्म रहता है, मतलब गर्मी बहुत कम रहती है। अ मॉडरेट रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 70 centimeters आकर्स, मतलब सामान्य बरसात होती है। अबाउट मतलब करीब करीब 50 to 70 centimeters मोस्टली इन द समर सीजन, मतलब जो बरसात होती है वो समर सीजन के दौरान ही होती है। देयर इज एन ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर, मतलब अचानक विंटर के सीजन में भी कभी कभी बरसात होती है। द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल, जो क्लाइमेट होता है वो सुटेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों के विकास के लिए। ग्रासेस ग्रो क्विकली, मतलब घास जो होती है, घासें जो होती है वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है या तो ग्रो करती है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के दौरान। एंड चेंज, चेंज मतलब बदल जाती है। टू हे, हे का मतलब सूखी घास के रूप में। बाय ऑटम पतझड़ का मौसम आते आते। ग्रास लैंड्स, मोस्ट ग्रास लैंड्स आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, अधिकांश ग्रास लैंड टेम्परेट जोन में लोकेटेड हैं। अ ग्रास लैंड इज अ ग्रासी विंडी पार्टली ड्राई बायोम ऑफ सी ऑफ ग्रास, जो ग्रास लैंड होता है वो क्या होता है, ग्रासी मतलब बहुत ज़्यादा घास वाला होता है। विंडी मतलब हवादार, मतलब हवा चलती है थोड़ा सा स्पीड में। पार्टली ड्राई बायोम मतलब पार्टली मतलब अंशतः सूखा, बायोम मतलब जीवों का समुदाय होता है। बायोम ऑफ सी ग्रास मतलब सी ग्रास मतलब वहाँ पे घास का समुद्र है, मतलब घास से इतना है कि उसी को समुद्र बोल रहा है। तो उस घास में क्या है, तरह तरह के जीव रहते हैं, कई प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, उसको बोल रहा है ड्राई बायोम ऑफ सी ऑफ ग्रास। ऑलमोस्ट
1/4 ऑफ द अर्थज लैंड, मतलब पृथ्वी के लैंड का लगभग 1/4 एरिया इज ग्रास लैंड। वो क्या है? ग्रास लैंड है। डीप रूटेड ग्रासेस, मतलब गहरी जड़ों वाली घासें, डोमिनेट विद वेरी फ्यू ट्रीज, मतलब बहुत कम पेड़ होते हैं और उसके ऊपर डोमिनेट करती हैं कौन? घासें, मतलब घासें ही बहुत ज़्यादा होती हैं, पेड़ बहुत कम होते हैं। एंड श्रब्स इन अ ग्रास लैंड, दिस रीजन इज आल्सो ऑलमोस्ट ट्रीलेस। ये जो रीजन है लगभग क्या होता है? ट्रीलेस होता है, मतलब बिना पेड़ वाला होता है। लाइफ इन द रीजन, प्लांट लाइफ, द ट्रीज दैट आर फाउंड हियर आर प्लांटेड बाई द फार्मर्स, यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो किसानों के द्वारा प्लांट किए गए होते हैं, लगाए गए होते हैं। दीज ग्रास लैंड्स वेरी इन साइज फ्राम कंट्री टू कंट्री, ये जो ग्रास लैंड हैं कंट्री टू कंट्री, मतलब हर एक देश में क्या हैं? भिन्न भिन्न साइज के हैं। इन द प्रेरीज रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में एक प्रेरी रीजन है जो कि ग्रास लैंड है। सिंस देयर इज मोर रेनफॉल, ग्रासेस आर टाल, मतलब प्रेरीज ग्रास लैंड में घासें जो होती हैं टाल होती हैं। सिंस का मतलब क्योंकि, देयर इज मोर रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है। इन द स्टेप्स भी एक ग्रास लैंड है। बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मतलब महाद्वीपीय जलवायु होने के कारण, ग्रासेस आर शॉर्ट, जो ग्रासेस होती हैं घासें होती हैं वो क्या होती हैं? शॉर्ट होती हैं। अल्फाफा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास, अल्फाफा नाम की घास वहाँ की मोस्ट कॉमन ग्रास है। एंड इज यूज एज फाडर फॉर कैटल, और जो कैटल होते हैं मवेशी होते हैं उनके फाडर के लिए, मतलब उनके चारे के लिए यूज की जाती है ये घास। कौन घास? अल्फाफा। ग्रासेस कीप चेंजिंग कलर, जो ग्रासेस होती हैं घासें होती हैं वो अपना कलर चेंज करती रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन, मतलब सीजन के अनुसार, इन समर द फोलिज इज थिक, मतलब जो घासें होती हैं वो घास जो लगी रहती है मैदान में बहुत घनी होती है। व्हाइल इन ऑटम, ऑटम में ये घासें क्या होती हैं? इज ड्राई, मतलब सूख जाती है। एंड इन विंटर डाइज, और विंटर आते आते क्या घासें बिल्कुल मर जाती हैं, मतलब घास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रूट्स रिमेन्स बरीड, और जो घास की जड़ें होती हैं जमीन में दबी रहती हैं, बरीड रहती हैं। इन द स्नो, मतलब बर्फ के नीचे वो क्या दब जाती हैं घासें। एंड ग्रो अगेन इन स्प्रिंग, और जो ही स्प्रिंग आता है फिर से वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। स्प्रिंग का मतलब जब बर्फ क्या होगी? मेल्ट होगी। उसके बाद एनिमल लाइफ, डिफरेंट ग्रास लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, कहने का मतलब जो डिफरेंट ग्रास लैंड है वर्ल्ड के दुनिया के, उसमें डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। सम ऑफ द लार्ज एनिमल्स फाउंड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले कुछ लार्ज एनिमल का नाम दिया है, तो आर काउगर, बाइसोन एंड ग्रिजली बियर। सम फायर्स एनिमल सच एज वुल्व्स आर आल्सो फाउंड हियर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। रेप्टाइल्स लाइक एनाकोंडा आर फाउंड, मतलब एनाकोंडा जो एक अजगर होता है उसकी बात कर रहा है, पाया जाता है। अफ्रीका, आर्डवार्क ये एनिमल है, अफ्रीकन वाइल्ड कैट, अफ्रीकन एलिफेंट, बबून एक प्रकार का ये बंदर होता है, बफेलो, केप हंटिंग डॉग एंड जेब्रा आर फाउंड इन द अफ्रीकन बेल्ट्स। ये भी एक घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया, डिंगो कंगारू वालाबी एंड सीप आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ये सब नाम दिया है। डिंगो कंगारू ये सब क्या एनिमल हैं?
ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। ऑस्ट्रेलियन डाउन्स क्या है, ये ग्रासलैंड है। नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक फुटेड फेरेट, कोयोट एंड बाइसोन आर फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज है, ये घास का मैदान है, वहाँ पर ये सब एनिमल पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका, फॉक्स टाइपीर एंड पुमा। पुमा एक प्रकार का बिल्ली के परिवार का बड़ा जानवर होता है, ये जैसे टाइगर वगैरह होते हैं। आर फाउंड इन द साउथ अमेरिकन पैम्पास, मतलब साउथ अमेरिकन पैम्पास ये ग्रासलैंड है, वहाँ पर ये सब जानवर पाए जाते हैं, जो दिया है फॉक्स टाइपीर पुमा ये सब। यूरेशिया, गोल्डन पिजेंट, लियोपार्ड, गिक्को, स्नो लियोपार्ड, वोल एंड फाल्कन। द बर्ड्स ऑफ प्री, जो फाल्कन है एक शिकारी पक्षी है, आर फाउंड इन यूरेशिया, जो कि यूरेशिया में पाई जाती है। ये सब एनिमल्स का फिगर दिया हुआ, वैसे आर्डवार्क है, इसकी हिंदी खोजें तो डिफिकल्ट है, फिगर समझना पड़ेगा। आर्डवार्क ये है, ये अफ्रीकन एलिफेंट है जो कि हाथी होती है। इसी तरह से ये कंगारू है, और ये है डिंगो, डॉग जैसा है, ये डिंगो है। इसी तरह से नीचे भी हैं, जैसे क्या, ब्लैक फुटेड फेरेट, ये भी एक प्रकार का एनिमल है, ब्लैक फुटेड फेरेट, ये बाइसोन है। और नीचे भी हैं, ये फॉक्स है, और ये टाइपीर है। यह स्नो लियोपार्ड है, और ये वोल एनिमल होता है, चूहे जैसा। टिक द करेक्ट ऑप्शन, विंटर इन टेम्परेट रीजन इज वेरी हॉट। टेम्परेट रीजन की जो विंटर होती है वेरी हॉट होती है, इसको एस नो लिखना, तो ये नो होगा, क्योंकि विंटर्स जो होता है वेरी कोल्ड होता है। ये लिखा है मोस्ट ग्रास लैंड आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, ये सही बोल रहा है, तो ये यस होगा। थर्ड है डिफरेंट ग्रास लैंड ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट द सेम टाइप ऑफ एनिमल स्पेसीज, ये आपका होगा नो। फोर्थ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द प्रेरीज इज द मीट पैकिंग इंडस्ट्री, ये आपका यस होगा। फिफ्थ है अ वोल इज अ स्मॉल रोडेंट रिजेंबलिंग कैट, ये नो होगा, वो कैट नहीं होता है, माउस के जैसा होता है, तो नो कर देंगे। फार्मिंग, द सॉइल इन टेम्परेट जोन इज डार्क एंड फर्टाइल, टेम्परेट जोन की जो मिट्टी होती है डार्क होती है और फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्राफ्ट सच एज वीट बार्ली राई फ्लैक्स एंड ओट्स आर ग्रोन, दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रानरी ऑफ द वर्ल्ड, इस एरिया को ग्रानरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, मतलब संसार का खलिहान के नाम से इसको जानते हैं। इन दिज ग्रास लैंड स्पेशल ग्रासेस सच एज अल्फाफा एंड क्लोवर आर ग्रोन एज अ फाडर ऑफ एनिमल, फाडर मतलब पशुओं का चारा। ग्रास लैंड इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल मीट एंड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रास लैंड जो इकोसिस्टम है वो वैश्विक स्तर पर जितना मीट और अनाज ग्रेन का उत्पादन होता है उसमें बहुत ही क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, योग देता है। ह्यूमंस हैव यूटिलाइज्ड दिस इकोसिस्टम फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो मानव है
इस ग्रासलैंड का प्रयोग हजारों सालों से करता आ रहा है। इंडस्ट्रीज, मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन सम पार्ट ऑफ द प्रेरीज, मतलब प्रेरीज जो घास का मैदान है वहाँ पे कई बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। द पैम्पास एंड वेल्ड्स, पैम्पास जो है ये भी घास का मैदान है, वेल्ड्स ये भी घास का मैदान है, तो यहाँ पे कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या होता है? द मोस्ट इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, मतलब एक कोयला होता है जो कि इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। एंड मिनरल्स, आयल, मिनरल आयल का मतलब खनिज तेल। आर माइंड का मतलब खोद कर निकाले जाते हैं। इन लार्ज क्वांटिटीज हियर, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिनरल आयल्स भी क्या कहता है निकाला जाता है। और एक्सट्रैक्टिंग फैक्ट्रीज, मतलब अयस्क को क्लीन करने की फैक्ट्रीज, अयस्क मतलब जो कच्ची धातु जमीन से निकलती है उसको बोलते हैं अयस्क, तो उसको क्लीन करके अच्छी धातु बनाने में जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उसको बोलते हैं और एक्सट्रैक्टिंग फैक्ट्रीज। एंड आयल रिफाइनरीज हैव आल्सो बीन डेवलप्ड हियर, मतलब यहाँ पर लगाई गई हैं, डेवलप की गई हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उद्योग है इन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में, इज द मीट पैकिंग इंडस्ट्री, वो कौन इंडस्ट्री है? मीट पैकिंग इंडस्ट्री है। गोल्ड एंड डायमंड माइंस आर फाउंड आर फेमस, गोल्ड एंड डायमंड्स माइंस आर फेमस इन द वर्ल्ड रीजन ऑफ साउदर्न अफ्रीका, मतलब साउदर्न अफ्रीका में गोल्ड और डायमंड की माइन क्या हैं, फेमस हैं। टुडे ग्रास लैंड्स फेस मैनी इशूज सच एज, इशूज का मतलब प्रॉब्लम, जो ग्रास लैंड है आज कई प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, जैसे ओवर ग्रेजिंग, पशुओं का अधिक से अधिक चराया जाना, अर्बन डेवलपमेंट मतलब वहाँ पे शहरीकरण हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्रोचमेंट मतलब कृषि संबंधी कार्य, मतलब खेत, ग्रास लैंड को खेत के रूप में यूज किया जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्रोचमेंट। वी शुड प्रोटेक्ट दिस इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है इसको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस इन नेचर, और प्रकृति में एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ह्यूमन लाइफ, द फार्मर्स हु लिव इन दिज ग्रास लैंड आर वेल ऑफ, जो फार्मर्स इस ग्रास लैंड में रहते हैं वो बिल्कुल ही धनी होते हैं, संपन्न होते हैं। दे हैव ह्यूज फार्म्स, उनके जो खेत होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। दे ओन मैनी इफिशियंट फार्म मशीन, उन किसानों के पास बहुत अच्छी अच्छी फार्म मशीन, मतलब खेत में काम करने वाली मशीनें होती हैं। टू हेल्प देम कल्टिवेट, मतलब उनको कृषि के कार्य में हेल्प करने के लिए। दियर वास्ट फार्म, मतलब उनके जो फार्म होते हैं, खेत होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई हजार हेक्टेयर के होते हैं खेत, तो उस पर काम करने के लिए वो अच्छी अच्छी मशीनें रखे होते हैं। ऑल द वर्क सच है प्लाविंग, जितने भी काम हैं जैसे प्लाविंग, जोतने का काम, सोविंग बोने का काम, हार्वेस्टिंग कटाई का काम, एंड थ्रेसिंग मड़ाई का काम, इज डन बाई मशीन, मशीनों के द्वारा किया जाता है। द स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसकी स्टोरिंग इन द सिलोस, मतलब सिलोस जहाँ पे अनाज को रखते हैं उसको बोलते हैं सिलोस। इज आल्सो डन बाई मशीन, मतलब अनाज को भंडारण करने का काम, मतलब अनाज को रखने का काम भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। ओनली अ फ्यू वर्कर्स, केवल कुछ ही वर्कर्स मतलब मजदूर आर रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी होते हैं। टू कल्टिवेट मतलब कृषि कार्य करने के लिए, थाउजेंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मतलब हजारों हेक्टेयर्स का जो खेत होगा उस पर कृषि के कार्य को करने के लिए कुछ ही मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब काम मशीन के द्वारा किया जाता है। सिंस एवरी वर्क इज डन बाई मॉडर्न मशीन, लिखा ना सिंस मतलब क्योंकि, एवरी वर्क इज डन बाई मॉडर्न मशीन, सभी कार्य आधुनिक मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। लाइफ ऑन दिज वास्ट फार्म इज वेरी डिफिकल्ट, जो लाइफ होता है
इस फार्म पर वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बिकॉज ऑफ हार्स क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, हार्स होता है, इसलिए वहाँ का लाइफ कठिन होता है। वन ऑन एवरी फार्म, मतलब प्रत्येक फार्म पे देयर आर स्मॉल होम स्टेट्स, होम स्टेट्स एक फार्म हाउस होता है जहाँ पर किसान अपने फैमिली के साथ रहते हैं। लेबरर्स हु वर्क ऑन द फार्म, जो लेबर फार्म पे काम करते हैं, आल्सो लिव नियर द होम स्टेट्स, वो भी होम स्टेट्स के नियर में पास में ही रहते हैं। एन एवरेज फार्म हियर, मतलब वहाँ का जो एवरेज फार्म होगा, औसतन जो खेत है, इज स्प्रेड ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर, मतलब थाउजेंड्स हेक्टेयर का एक वहाँ पे खेत होगा जो कि औसत होगा, मतलब औसत उसका निकाला गया तो कोई भी फार्म हाउस होगा तो कम से कम 1000 हेक्टेयर का, मतलब 4000 बीघे का वो होगा। देयर आर सेपरेट सेट्स फॉर फार्म एनिमल एंड मशीनरी, मतलब वहाँ पे फार्म पर जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए और जो मशीनें होती हैं उनके लिए अलग अलग क्या होते हैं, सेड होते हैं। पीपल लिविंग इन ग्रास लैंड, ग्रास लैंड में रहने वाले लोग आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव, कंटिन्यूसली का मतलब लगातार ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू इम्प्रूव दियर लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने का, विद साइंटिफिक डिस्कवरी, मतलब वैज्ञानिक खोजों के द्वारा, एंड न्यू टेक्नोलॉजी और नई नई तकनीकी के द्वारा। हाउएवर फिर भी क्लाइमेट स्टिल कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, जो क्लाइमेट है उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न करता है।